हाय फ्रेंड, दिस इज़ अमित फ्रॉम टेक्नीशियन अमित। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर बेल आइकन को दबाइए और आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपने मोबाइल पे पाइए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यूआर कोड क्या होता है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलिए सिंपली मैं आपको जल्दी करके दिखा देता हूँ, वो भी अपने मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से आप बना सकते हैं। सिंपली आप अपना ओपेरा या कोई सा भी ब्राउज़र में चले जाइए तो उसमें फिर एक साइट आपको टाइप करना पड़ेगा। मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है, देखिए gogr.me, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस साइट में आप अपना क्यूआर कोड खुद जनरेट कर सकते हैं। देखिए इसमें आप कैसे कैसे बना सकते हैं। पहले में दिखा रहा है, पहले यह जो दिखा रहा है इसमें है अपना यूआरएल। मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक बार कोड में इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो शॉर्ट में हो जाएगा और सब इन्फॉर्मेशन आ भी जाएगा। और सेकंड है जो बिजनेस कार्ड है होता है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। और जैसे कि इसमें भी दे रखा है, फ़ोन का दे रखा है, आपको मोबाइल का अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं उसमें बार कोड बना के, जो जिसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ये लोकेशन है, मैसेज है, कॉन्टैक्ट है, बहुत सारा है। ठीक है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। और मैं एक सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, जिससे आप अपना किसी का भी बारकोड स्कैन कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो आप उसमें भी फ़ोटो लेके आप स्कैन भी कर सकते हैं आराम से अपना जो बारकोड आपने जनरेट किया है। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ आपको करना क्या है। सिंपली देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी फ़ोन में गए हम लोग, ठीक है, फ़ोन में ऐसे क्लिक किया, वो भी हम लोग अपने मोबाइल से बना रहे हैं बारकोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ना कॉन्टैक्ट, इसमें कंट्री कोड मानना पड़ेगा। कंट्री कोड तो आपको पता ही, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो सिंपली हमको +91 मार देंगे। ओके, +91। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर दे, कोई भी दे सकते नंबर। ठीक है, तो सिंपली गो में क्लिक मार देंगे यहीं से ओपेरा से। देखिए ये मेरा इसके अंदर मेरा ये बारकोड मेरा अपना बन गया है सिंपली, है ना, सिंपली बारकोड बन गया। और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बारकोड को। देखिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक मारेगा, देखिए आप इसमें दिखा सकते हैं आप। देखिए इसमें आप डाउनलोड का फॉर्मेट भी चॉइस कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर है तो हम लोग JPEG में कर सकते हैं, तो इसमें ही कर देते हैं। ठीक है, सिंपली क्लिक, तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपके ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं। मेरे में ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो मैंने तो ये पहले से डाउन कर रखा है, तो छोड़िए इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। आप डाउनलोड का भी कर सकते हैं अपना, ऐसे ही बारकोड बन जनरेट होता है। ठीक है, आप अपना बारकोड बना सकते हैं खुद का बारकोड, वो भी अपने मोबाइल से सिंपली। और मैं एक और दिखा देता हूँ, जैसे अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी अगर बारकोड बनाना चाहता हूँ किसी को, अगर मैं अपना बारकोड दूंगा तो उसमें सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, हो रहा है और लगता है, देखिए सिंपली क्लिक करेंगे और इसमें दिखा दिया। इसमें देखिए वेबसाइट एड्रेस मांग रहा है, URL नंबर वही डालना पड़ेगा हम लोग को। सिंपली देखिए मैंने कॉपी करके पहले से रखा हुआ है तो पेस्ट मार दूंगा मैं, पेस्ट मार के। ठीक है, सिंपली आप गो में कर देंगे क्लिक। देखिए ये भी मेरा बारकोड बन गया है और वही जो आपको मैंने दिखाया था, डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। और इसका मैं इस साइट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसको आपको आसानी होगा। ठीक है, देखिए इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, PNG में आपको जो भी फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना होगा उसमें आपको बस उसी में क्लिक करना होगा। उसमें क्लिक करेंगे आप जैसे PNG में, तो अब उसी का क्या बोलते हैं डाउनलोड का वो आ जाएगा लिंक, डाउनलोड का वो दिखाएगा आपको, डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है जनरेट करने का। और हाँ, और आपको अगर क्या बोलते हैं आप किसी का जैसे अपना बारकोड बना लिया और आप अपने बारकोड का इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं कि मेरा इन्फॉर्मेशन ठीक है क्या नहीं, ठीक है सब ठीक से हुआ क्या नहीं, तो आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, QR रीडर। ठीक है, सिंपली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा पर उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए सिंपली आप अपने प्ले स्टोर में चले जाइए, कहाँ है प्ले स्टोर में जाएगा और सिंपली टाइप कीजिएगा QR कोड रीडर। ठीक है, ये तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जा सकते हैं।
देखिए जो पहला दिखा रखा है स्कैन कंपनी का, ठीक है ना, उसी को आपको करना है या बाकी भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने इसके नीचे वाला भी कर रखा है, तो आप पहला ही कर लीजिए, ठीक है। जाएगा, देखिए इस पर इसको सिंपली इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा दिखा दिया, आप कोई भी कोड अगर आप इंस्टॉल कर दीजिए, आप कोई भी कोड स्कैन कर पाएंगे, कोई भी बार कोड, ठीक है ना, QR कोड आराम से स्कैन कर पाएंगे। तो यही था वीडियो बस। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा वीडियो लगा उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, वंदे मातरम।